स्वागत है हमारा वीडियो क्लास के लिए। तो आज एक नया लेसन शुरू करने वाले हैं हम। वो लेसन शुरू करने से पहले एक आधा सवाल मैं पूछना पड़ता हूँ आप लोग सही जवाब है ना। तो हमारा देश का जो राज्य है स्टेट्स बोलता है, तो कौन सा हमारा जो महाराष्ट्र है, गुजरात है, वो कौन सा दिशा में है? पश्चिम दिशा में। क्या कह सकते हैं पूर्व दिशा में कौन सा राज्य है? मणिपुर और असम, अरुणाचल प्रदेश। और दक्षिण दिशा में केरल। सबसे पहले बोलना है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश हमारा जो माइग्रेशन स्टेट है, और केरला इतना बड़ा। और उत्तर दिशा में सबसे पहले जम्मू कश्मीर। ठीक, माने इसको क्या बोलते हैं हम? दिशा है ना। अभी आप और दिशा के अलावा दोनों दिशा में और कुछ कुछ जगह होता है, उसी एरिया को क्या बोलते हैं? कॉर्नर बोलते हैं। तो इसीलिए आज हमारा लेसन का नाम है दिक्कुलु दिक्कुलु और मोलल। मोलल दिक्कुलु मतलब दिशा है, मोलालु मतलब कॉर्नर है। अभी इनका जो प्रसिद्धता क्या है कि हम आज छोटी सी लेसन में आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले पूर्व दिशा किस तरफ होता है? पूर्व दिशा बे ऑफ बंगाल की साइड। अभी ये जो पूर्व दिशा है इसको तेलुगु में क्या बोलते हैं बोलो? तूर्पु। यस, सबसे पहला दिशा है तूर्पु। तूर्पु दिशा को क्या बोलता है? पूर्व दिशा बोलता है। तेलुगु में पूर्व दिशा को तूर्पु बोलता है। तो हम एक बार पूर्व दिशा को देख लिया, फिर इसके ऑपोजिट में कौन सा दिशा होता है? पश्चिम दिशा। इसको ऑपोजिट में तेलुगु में क्या बोलता है मालूम? पश्चिम दिशा को पड़ावरा। और जो जो नीचे वाले दिशा को क्या बोलते हैं? दक्षिण दिशा। तेलुगु में भी दक्षिण बोलता है। और ऊपर दिशा को क्या बोलते हैं? उत्तर दिशा बोलते हैं। उत्तर दिशा। अभी हाँ, उत्तर मतलब बात कर्म हो गया। उत्तर दिशा, उत्तरम दिशा नहीं बोलेगा, उत्तर दिशा बोले। माने दाएं साइड वाले को पूर्व दिशा बोलते हैं तूर्पु, बाएं साइड वाले को बोलता है पड़ावरा पश्चिम दिशा, ऊपर वाले को बोलता है उत्तरम, नीचे को बोलता है दक्षिणम। अभी सपोज मान लो कहीं अनजान जगह पर चले गया है, तो पूर्व दिशा पश्चिम दिशा ये कौन सा दिशा है? सपोज आप दूसरा जगह पर चले गए हैं, कहीं हमने यहाँ रह रहा है, इसका मतलब हमको मालूम है ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये उत्तर दिशा। यह अनजान जगह पर गए हैं तो हम पूर्व दिशा पश्चिम दिशा उत्तर दिशा कैसा वो इसको डिफाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं? इसको एक तरीका है, कंपास भी नहीं आपके पास, कंपास भी नहीं है, फिर कैसा आप डिसाइड करोगे ये कौन सा दिशा है वो कौन सा दिशा है? बिल्कुल ये सन के वजह से। कैसे? सपोज मान लो ये भी एक लड़का है तो आ गया, तो मैं कौन सा दिशा में हूँ? मेरा पीछे कौन सा दिशा है, मेरा आगे कौन सा दिशा है, लेफ्ट साइड कौन सा दिशा है, राइट साइड कौन सा दिशा है? तब आप जिस एरिया से
सूरज आ रहा है उस एरिया के सामने खड़े हो, सपोज सूरज इधर से आ रहा है उसी उसका सूरज के सामने खड़े हो जाओ, तब मालूम हो जाएगा आपको, क्योंकि सूरज हमेशा रहता है, वो चेंज होता ही नहीं है। तो सूरज का अभिमुख से आप लोग खड़े हो जाएंगे ना, तो आपको पूर्व दिशा बन जाएगा, तो आपका पीछे पश्चिम दिशा। आप ऐसे दोनों हाथ ऐसे करो तो लेफ्ट साइड वाले दक्षिण दिशा, राइट साइड वाले उत्तर दिशा हो, है ना। तो ये अभी कॉर्नर्स के बारे में पूछेंगे। सबसे पहले आप पढ़ो बेटा, पहला क्वेश्चन तूर्पु, आगे पड़मरा, उत्तरम, दक्षिणम, अनि, नालुगु, दिकुलु, तेलुसु, नूने, तेलुसु कदा। हाँ, इसका मतलब है तूर्पु, पड़मरा, उत्तरम, दक्षिणम, ऐसा चार दिशा है। हाँ, आपको सोशल स्टडीज में आता होगा, मालूम है ना, मालूम है। नेक्स्ट आगे दिकुले काका, आगे मरी, नालुगु, मूललु, कूड़ा, हाँ हाँ उन्नाई, उन्नाई। बस हम इन जनरली बात करते हैं दिशाओं के बारे में, मोस्टली बात करते हैं हम दिशाओं के बारे में, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, दक्षिण दिशा, उत्तर दिशा। इसके अलावा वीटितो पाटु दिक्कुले काका, वो दिशाओं के अलावा, दिक्कु मतलब दिशा, तेलुगु तेलुगु में दिक्कु बोलते हैं, हिंदी में दिशा बोलते हैं। इन दिशाओं के अलावा कार्नस भी है, नीचे करो जब मैं बताता हूँ तभी, कार्नस भी होता है। अभी ये कार्नस कहाँ कहाँ पर होता है एक बार बताओ। पाटिनी, गुरिंची, जनरली हमने इन चारों दिशाओं के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन हमको मिलता है, कार्नर्स के बारे में हमको जानकारी ज्यादा नहीं होता है, बातचीत भी ज्यादा नहीं होता है। तो इसीलिए अभी वाटिनी गुरिंची ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం, ఇన్ చారు కార్నర్స్ కే బారేమే ఇప్పుడు మతలబ్ అభి తెలుసుకుందాం జానేంగే బోలో రెండు ఆ దిక్కులు, దిక్కులు ముదై మధ్య, ఏ హే మా దా హే, దా కి నీచే ఆ గయా, దా ప్లస్ యా ప్లస్ ఆ యా మధ్య, भागानी, मुंह, मूला, अंकार, यस, मूला मतलब कार्नर को, किसको कार्नर बोलता है, दोनों दिशा के बीच में जो भी होता है उसको बोलता है कार्नर बोलता है। एक दिशा है, नंबर टू और एक दिशा है, और एक दिशा है, चारों तरफ चार दिशा है। तो कार्नर किसको बोलता है, मोला किसको बोलता है, तेलुगु में मोला मतलब कार्नर, दोनों दिशा के बीच में जो भी होता है उसको बोलता है मोला। इन दोनों दिशा के बीच में कार्नर में ये एक मोला है, इन दोनों दिशा में कार्नर है ये है इसको, और एक मोला, इसका नाम बाद में बताऊंगा। और ये एक दिशा है, वो एक दिशा है, इन दोनों के बीच में मोला है, कार्नर है, इन दोनों के बीच में है। जैसा चार दिशा होता है ऐसी चारों दिशा के बीच में जो भी होता है इसको बोलते हैं मोला या तो कार्नर बोलते हैं, उन कार्नर का नाम जानेंगे। बोलो तूर्पु दक्षिणम, हाँ तूर्पु, तूर्पु दक्षिणम, तूर्पु कौन सा कौन है, पूर्व, ना पूर्व है, पूर्व दिशा किसका है, हाँ ये ऐसा देखो पूर्व दिशा मरियु, कौन सा दिशा, दक्षिणम, दक्षिणम नाम, बस ये पूर्व दक्षिण दिशा है, इन दोनों को दिशा के बीच में कार्नर है, ये कौन सा है, ठीक से आग्नेयम, इसको क्या बोलता है हिंदी में, दक्षिण पूर्व, तेलुगु में बोलता है
आग्नेयम, तेलुगु में अलग से नाम दिए गए। आप लोग बोलते हैं दक्षिण पूर्व दिशा, मगर तेलुगु में हमको अलग से नाम दिया गया है, इसको आग्नेय दिशा बोलते हैं। आग्नेय दक्षिण पूर्व को आग्नेय बोलते हैं। ठीक से पकड़ो बेटा, हाँ नीचे का नेक्स्ट दिक्कुलु, इन दोनों जो दिशा के मतलब पूर्व और दक्षिण, पूर्व दक्षिण के दिशा में जो भी कारण है इसको बोलते हैं हम आग्नेय। नेक्स्ट दक्षिणम, दक्षिणम पड़मरी, इसके बाद दक्षिणम पड़मरा, मतलब पश्चिम, और दक्षिण और पड़मरा। हाँ आगे बोलो बेटा, दिक्कुलु मध्य, माने दक्षिण पड़मरा दिक्कुला मध्य, इन दोनों दिशा के मध्य मतलब बीच, बीच में जो कॉर्नर है इसको क्या बोलते हैं? सर इसको बोलते हैं नैऋति, नैऋति बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलता है? दक्षिण पश्चिम बोलते हैं। ये दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा, इन दोनों के बीच में जो भी कॉर्नर है उसको आप लोग दक्षिण पश्चिम बोलते हैं, मगर तेलुगु में नाम है नैऋति। क्या है, क्या बोलते हैं? नैऋति। नेक्स्ट बोलो बेटा, पड़मरा कौन? तुम दोनों नीचे करो। हाँ पड़मरा, हाँ और सर उत्तरा, हाँ दिक्कुला मध्य, उन्ना मूला वायव्यम, ये वायव्यम बेटा, वा या बाकी नीचे आधा या वायव्यम, वायव्यम कौन सा दिशा में बोल रहे हैं? पड़मरा मरियु उत्तर। आप लोगों को हिंदी में बोलता है उत्तर पश्चिम दिशा, है ना? उत्तर पश्चिम दिशा कौन सा है? वायव्यम, उत्तर पश्चिम बोलते हैं। हाँ उत्तर पश्चिम बोलते हैं आप लोग, क्योंकि उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा के बीच में, और तेलुगु में उसको नाम अलग से दिया गया है, उसका नाम है बोलो तेलुगु में वायव्यम, वायव्यम बोलते हैं। हाँ नेक्स्ट बोलो बेटा, उत्तरा तुर्पु, हाँ ये तुर्पु मतलब पूर्व, हाँ आगे मध्यम उन्नदी, माला नहीं है मूला, मूला मूला कहाँ? ईशान्य, आपको दक्षिण पूर्व दिशा के बीच में जो भी कॉर्नर है उसको क्या बोलता है? ईशान्य। हिंदी में बोलते हैं उत्तर पूर्व, उत्तर दिशा और पूर्व दिशा दोनों के बीच में है, इसलिए आप लोग हिंदी में और सरल से बोले हैं उत्तर पूर्व दिशा। ये दिशा नहीं है, ये कॉर्नर है, इसीलिए हम तेलुगु में अलग से नाम दिया है इसको ईशान्य बोलते हैं। बस ऐसी, हाँ नीचे करो, ऐसी हम हमारा नीचे हमारा जो चार दिशा है तेलुगु में हिंदी में सेम, कैसा? पूर्व दिशा मतलब तुर्क बोलते हैं, हम भी पूर्व दिशा भी बोलते हैं, इन जनरली यूसेज में हम बोलते हैं तुर्क। पड़मरा बोलते हैं हम तेलुगु में, पश्चिम बोलते हैं तेलुगु में भी, पूर्व पश्चिम भी तेलुगु में भी, इन जनरली हम बोलते हैं पड़मरा। और दक्षिण दिशा को हम भी दक्षिण बोलते हैं, तेलुगु में भी दक्षिण बताया जाएगा, उत्तर दिशा को उत्तर बताया जाएगा। मगर जो इन चारों के बीच में हर दोनों दिशा के बीच में कॉर्नर होता है, आप लोग इवन इन इंग्लिश आल्सो यू कैन हैव साउथ ईस्ट, तो आग्नेय बोलते हैं साउथ ईस्ट, इंग्लिश वाले के जैसे आप लोग भी दक्षिण पूर्व उसी दिशा को बोलते हैं। इंग्लिश में भी अलग से नाम नहीं, इंग्लिश में भी ऐसी बोलते हैं साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ऐसी साउथ वेस्ट ऐसी बोलते हैं, है ना? तेलुगु में अलग से नाम है, इसलिए ये लेसन इंट्रोड्यूस किया है। तेलुगु में हिंदी में भी इंग्लिश में भी सेम है, मगर तेलुगु में अलग से नाम दिया गया है कॉर्नर्स को, हिंदी में इंग्लिश में अलग से नाम नहीं,
साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट ऐसे बोलते आप लोग भी ऐसे दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम ऐसा बोलते हैं। मगर तेलुगु में कॉर्नर्स को अलग से नाम दिया है, वो क्या है कि तूर्पु माने दक्षिण पूर्व दिशा के कॉर्नर जो भी है उसको आग्नेयम बोलते हैं, और उत्तर पूर्व दिशा के बीच में जो भी कॉर्नर है उसके बोलते हैं हम ईशान्य। ऐसी है ऐसी इसी प्रकार दक्षिण और पश्चिम दिशा के कॉर्नर में जो भी कॉर्नर है उस मूला को कहते हैं नैऋति, और उत्तर पश्चिम दिशा दोनों के बीच में जो भी कॉर्नर है अलग से नाम दिया गया है वायव्य। ये ठीक है बेटा, तो ये बेटा आज ये दिशाओं के बारे में कहने की। अभी थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ थोड़ा सा, और मेरे को हमारा देश के हिसाब से आप लोग बता सकते हैं। सपोज मान लो हमारा देश, मेरे को भी इतना ज्यादा नहीं आता है जो हमारा इंडियन मैप को, बढ़िया आ गई क्या? आ गए बढ़िया आ गए ठीक से आया तो आया ठीक है। हाँ हाँ, अभी हमारा देश को नॉर्थ को क्या बोलता है? उत्तर दिशा है ना, नॉर्थ माने उत्तर दिशा, नीचे को दक्षिण दिशा साउथ बोलते हैं, ईस्ट है मतलब तूर्पु दिशा, वेस्ट है पश्चिम दिशा। अब आप कह सकते हैं हमारा पूर्व दिशा में कोई दो तीन राज्य का नाम बताओ। सबसे पहले है अरुणाचल प्रदेश, वेरी गुड, असम, शाबाश, नागालैंड। हाँ जी, हाँ जितना इस एरिया में है नॉर्थ ईस्टर्न बोलते हैं ऐसा दिशा को, एक्चुअली पश्चिम दिशा है ये, वो नॉर्थ ईस्टर्न दिशा है। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं पूर्व दिशा वाले, ये सारे पूर्व दिशा, ये सारे पूर्व दिशा है। इधर आता है आपको कौन सा है सबसे पहले? वेस्ट बंगाल है ना, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल बोलते हैं ना भैया। और पश्चिम दिशा में बोलो कौन सा राज्य है? राजस्थान। ना राजस्थान, यस, सबसे पहले बोला जाएगा गुजरात, फिर इसके बाद महाराष्ट्र, बस इतना। तो नेक्स्ट और दो दक्षिण दिशा के राज्य के बताओ, तमिलनाडु, बस तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, केरल। और उत्तरा दिशा का सबसे पहले बोल सकते हम जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। अभी चारों दिशा के चार ने आपने बताया, अभी कॉर्नर में कौन सा राज्य है थोड़ा सा प्रयास करो। सपोज मान लो दक्षिण पूर्व दिशा कॉर्नर में कौन सा स्टेट है? ये दोनों यहाँ से लेके यहाँ तक दक्षिण है, इसका कॉर्नर ये पड़ता है, कौन सा है ये बोलो? कोई उड़ीसा, उड़ीसा है, क्योंकि उड़ीसा ना जा दक्षिण में है ना पूर्व में है, दोनों को बीच में है उड़ीसा, तो इसको कहते हैं दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व का क्या बोलता है? आग्नेय, आग्नेय, बस। अब बोलो उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व में कौन सा स्टेट है? यहाँ कौन सा है? सिक्किम है, सिक्किम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बोलते हैं ना, अभी आप लोग अरुणाचल अरुणाचल बोले वो सारे इसीलिए बोलते हैं ईस्टर्न स्टेट्स बोलते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, नॉर्थ ईस्ट, अभी सार भी काम करके आए हैं नॉर्थ ईस्ट में, माने वो उत्तर पूर्व दिशा में। और उत्तर पश्चिम दिशा में कौन सा राज्य पता सकते हैं? बिल्कुल एक राजस्थान, बहुत बड़ा स्टेट। अब दक्षिण पश्चिम दिशा में कौन सा राज्य? गोवा, वेरी गुड, गोवा है, बस ये
कहा जाता है। हम बोलते हैं जब देश को चार भाग बोलते हैं तब हम बोलेंगे इस एरिया को सारे तूर्प माने तरफ पूर्व, इस एरिया को बोलते हैं हम सारे पश्चिम दिशा, इस एरिया को बोलते हैं हम सारे दक्षिण दिशा, इस एरिया में बोलते हैं सारे उत्तर दिशा। और पिन पॉइंट, और बिल्कुल पिन पॉइंट लिए बोलना पड़ेगा तो कौन सा दिशा में, दक्षिण पूर्व और पूर्व पूर्वोत्तर ऐसे बोलते हैं, है ना। तो तब हम लोग आप लोग थोड़ा सा कंसिस्ट होके बताना पड़ेगा ये कौन सा पर्टिकुलर कौन सा दिशा में ये राज्य ऐसे, ठीक है। हम भी इधर भी देख लो हमारा कमरे है ये तो फोर वॉल दीवार है उसमें बोलते हैं अरे अपना ईस्टर्न साइड है ये दीवार, ईस्टर्न साइड का है ये दीवार, कौन सा साइड का है पश्चिम साइड, वेस्टर्न साइड, वो दीवार कौन सा है दक्षिण दिशा, ये दीवार। और पर्टिकुलर नहीं बोलना है उस एरिया को हम बोलेंगे तो कौन से एरिया बोलेंगे, ना दक्षिण ना बोल पाएंगे ना दक्षिण बोल, तब हम बोलते हैं आप लोग बोलते हैं सर दक्षिण पूर्व है तो हम बोलते हैं आग्नेय दिशा में, आग्नेय दिशा। जब पिन पॉइंटली थोड़ा सा सूक्ष्म रूप से बोलना है तो तब बोलो, ठीक है। ऐसा ही दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण दिशा है पश्चिम दिशा है उसको क्या बोलते हैं, ना दक्षिण बोलेंगे ना पश्चिम बोलेंगे, इन दोनों के बीच में सर ये कौन सा दिशा है, कारण है एक आधा दक्षिण पश्चिम, ऐसे चारों के चार दिशा के दोनों दोनों दिशा में एक एक कॉर्नर होता है, उस कॉर्नर को हम अलग से नाम दिया है जो दक्षिण पूर्व दिशा के आग्नेय बोलते हैं और उत्तर पूर्व दिशा को ईशान्य बोलते हैं और दक्षिण पश्चिम दिशा को वायव्य बोलते हैं, सॉरी उत्तर पश्चिम को बोलते हैं हम वायव्य और दक्षिण पश्चिम को बोलते हैं हम नैऋत्य, ठीक है बेटा। अभी मेरे को अभी बोलो इधर यहाँ जिस दिशा में सूरज होता है उस दिशा को क्या बोलता है, पूर्व दिशा, तुर्क बोलता है। इसके अपोजिट में दिशा को क्या बोलते हैं, इसका यदि हम यहाँ खड़े होंगे तुर्क दिशा के अभिमुख से हमारा बाई साइड दिशा को क्या बोलते हैं, दाई साइड का दिशा को, ऐसा ही दक्षिण और पूर्व दिशा के बीच में जो भी कॉर्नर इसको क्या बोलते हैं, वेरी गुड। ऐसी प्रकार उत्तर पूर्व दिशा मतलब पूर्व दिशा दोनों के बीच में दिशा को क्या कॉर्नर को क्या बोलते हैं तेलुगु में, ईशान्यम, ईशान्यम। ऐसा ही हम भी देख लेते हैं, ऐसा ही उत्तर पश्चिम इन दोनों दिशा के बीच में जो भी कॉर्नर है इसको क्या बोलते हैं, वायव्य, बोलो वायव्य। ऐसी दक्षिण पश्चिम दिशा दोनों दिशा के बीच में जो भी कॉर्नर है उसको क्या बोलते हैं, नहीं नहीं दक्षिण पश्चिम दिशा कॉर्नर को क्या बोलते हैं, नैऋत्य, हिंदी में नहीं तेलुगु में क्या बोलते हैं, आज का जो लेसन है हमने चार दिशाओं के बारे में और चार कॉर्नर्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी मिल गया है और कल इसका लेसन तो बहुत छोटा है बस आपको परिचय करना है पूर्व पश्चिम दिशा दक्षिण दिशा ऑलरेडी आप जानते हैं तो इन दोनों दिशाओं को दोनों के बीच में जो भी कॉर्नर होता है हिंदी में नाम अलग से नहीं है ऐसा सिंपल बोलता है दक्षिण पूर्व दिशा हमको तेलुगु में अलग से नाम दिया गया है आपने ईशान्य आग्नेय मूलम नैऋत्य मूलम वायव्य पर्टिकुलर नाम दिया गया है इसी वो जानकारी आपको देने के लिए ये लेसन आपको दे दिया है ठीक है बेटा इसी के साथ आज का लेसन समाप्त हो गया है।